दोस्तों आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और YouTube बेल आइकॉन दबाकर पाए दुनिया की सारी रोचक खबरें फटाफट। संजय दत्त अपनी फिल्मों से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में रिलीज हुई बायोपिक संजू में संजय दत्त की जिंदगी से जुड़े कई पहलुओं को दिखाया गया। शुरू से ही संजय दत्त की इमेज एक लवर बॉय की ही रही। 90 के दशक में तो संजय दत्त के अफेयर के चर्चे मीडिया से लेकर बॉलीवुड गलियारों में छाए रहे। संजय दत्त की जिंदगी में एक लड़की की एंट्री से उनकी पत्नी मान्यता दत्त परेशान है। फिल्म प्रस्थानम की शूटिंग में संजय अमायरा दस्तूर के साथ काम कर रहे हैं। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने की खबर जैसे ही मान्यता तक पहुंची, वो अचानक फिल्म सेट पर धमक पड़ी। साथ ही फिल्म प्रस्थानम के प्रोडक्शन टीम को आउटडोर शूटिंग के दौरान संजय और अमायरा को अलग अलग होटलों में ठहरने के इंतजाम करने के निर्देश तक दे डाले हैं। फिल्म कलंक में बरसों बाद माधुरी दीक्षित और संजय दत्त एक साथ नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 19 अप्रैल 2019 को रिलीज होगी। संजय और मान्यता साल 2008 में शादी के बंधन में बंधे थे। मान्यता संजय दत्त की तीसरी पत्नी है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कॉमेंट और शेयर कीजिए। ऐसी ही और रोचक खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।